से मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अमेरिका और कनाडा की सरहद पर कार धमाका, दो हलाक। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि नियाग्रा फॉल्स के करीब यह बहुत खतरनाक सूरत हाल है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने धमाके की वजूहात के हवाले से वसी तहकीकात शुरू कर दी। भारत ने कनाडा के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा खिदमत दोबारा शुरू कर दी। इकदाम से दोनों ममालिक के दरमियान तनाव में कमी आ सकती है। हरदीप सिंह के कत्ल के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती तनाज़ा पैदा हो गया था। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. Niagara Falls के करीब Canada और अमेरिका के दरमियान सरहदी पुल पर कार में धमाका हो गया। धमाके की जद में आकर दो अफराद हलाक हो गए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। नियाग्रा फॉल्स के करीब कनाडा और अमेरिका के दरमियान सरहदी पुल पर कार में धमाका हो गया। धमाके की जद में आकर दो अफराद हलाक हो गए। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट को आगाह करते हुए वाकये को संजीदा सूरत हाल करार दिया। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया है कि नियाग्रा फॉल्स के करीब कनाडा और अमरीका की सरहद पर कार धमाका इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स को बताया कि यह वाजह है कि नियाग्रा फॉल्स के करीब यह बहुत खतरनाक सूरत हाल है। रैम्बो ब्रिज क्रॉसिंग पर एक कार में धमाका हुआ। अभी भी बहुत से सवालात बाकी हैं और हम जल्द अज जल्द जवाब हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी शहर नियाग्रा फॉल्स ने अपने फेसबुक पेज पर कहा कि रैम्बो ब्रिज को अगली इतला तक बंद कर दिया गया है। एक ऐनी शाहिद ने CBS को बताया कि उसने एक कार को 160 किलोमीटर से जायद की रफ्तार से उड़ते हुए देखा। इस तेज रफ्तार से धमाके पर भी असर पड़ सकता था। बाद में पुल पर आग का गोला देखा गया। कनाडा के पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर डोमिनिक क्लीवलैंड ने कहा है कि कनाडा और अमेरिका के लिए इस कदर अहमियत का हामिल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस किस्म का पुरतशद्दुद वाकया सामने आना बाइस तशवीश है। कैनेडियन पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर ने धमाके के ज़राए पर कोई कयास करने से इनकार कर दिया। अमरीकी के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक्स पर इस धमाके की तहकीकात का ऐलान कर दिया। कनाडा के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा खिदमत दोबारा शुरू कर दी हैं। इंडियन हुकूमत की जानिब से BC में हरदीप सिंह ने जार के कत्ल से हिंदुस्तान को जोड़ने के बाद वीज़ा खिदमत रोक दी गई थी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारत ने कनाडा के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा खिदमत दोबारा शुरू कर दी हैं। हुकूमत की जानिब से BC में हरदीप सिंह ने जार के कत्ल से हिंदुस्तान को जोड़ने के बाद वीज़ा खिदमत रोक दी गई थी। सरकारी ज़राए के मुताबिक भारत ने गुज़िश्ता रोज़ कनाडा के शहरियों के लिए ई वीज़ा दरख्वास्तें खोल दीं। 2 माह कबल कनाडा में एक सिख रहनुमा के कत्ल के बाद सिफारती तनाज़ा पैदा होने के बाद भारत ने कनाडा के लिए वीज़ा सर्विस मुअत्तल कर दी थी। सरकारी ज़राए ने इस पेशरफ्त की तस्दीक की। इस इकदाम से दोनों ममालिक के दरमियान तनाव में कमी आ सकती है, जिसने इल्ज़ाम तराशी की और एक दूसरे के सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया और भारत की जानिब से कैनेडियन शहरियों पर वीज़ा पाबंदी मुतारिफ कराई गई। सितंबर में वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जानिब से सुरे BC में हरदीप सिंह ने जार के कत्ल में हिंदुस्तान के मुलविस होने के मोतबर इल्जामात के कहने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती तनाज़ा शुरू हो गया है। ख्याल रहे कि दोनों ममालिक के दौरान सितंबर में उस वक्त हालात कशीदा हो गए थे जब कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की पार्लियामेंट में कहा था कि उनकी हुकूमत को वैनकूवर के मजाफात में 45 साल सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह ने जार के कत्ल में
भारतीय हुकूमत के मुलविस होने वाले मुसद्दिका सबूत मिले हैं। कनाडा में सिख अलहदगी पसंद ग्रुपों के बारे में नई दिल्ली की तशवीश ने मजबूत दिफाई और तजारती ताल्लुकात बरकरार रखने के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को तवील अरसे से कशीदा कर दिया है। गुज़िश्ता माह भारत ने पाबंदी में नरमी की और कनाडा के शहरियों के लिए दाखिले, कारोबार, तिब्बी और कॉन्फ्रेंस वीजा के लिए खिदमात दोबारा शुरू कर दी। Precisely respected.